नमस्कार, आप देख रहे हैं सर्विलांस खबर। अंबेडकर नगर से बड़ी खबर, जिलाधिकारी के निर्देशन में चलाया गया सघन चेकिंग अभियान, बाजारों में मची अफरा तफरी। प्राप्त जानकारी के अनुसार अंबेडकर नगर जिलाधिकारी सैमुअल पॉलियन तथा राजवंश श्रीवास्तव अभिहित अधिकारी के निर्देश पर के उपाध्याय मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी के नेतृत्व में आज से होली पर्व पर आम जनमानस को शुद्ध खाद्य एवं पेय पदार्थ की उपलब्धता हेतु प्रारंभ हुए अभियान में टीम द्वारा सघन चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें निबियाहवा पोखरा अकबरपुर में दुग्ध विक्रेता रामलाल से दूध का नमूना लिया गया। वहीं महरुआ बाजार में स्थित नरेंद्र यादव की मिठाई की दुकान से छेना मिठाई तथा बर्मा मिष्ठान भंडार से खोया का नमूना लिया गया। इसके बाद राम बाबा बाजार में जयसवाल किराना स्टोर से बेसन का नमूना तो मिझोड़ा चीनी मिल के पास यादव दुग्ध डेयरी से खोया का नमूना संग्रहित कर जांच हेतु भेजा गया। कुल मिलाकर आज 5 नमूने संग्रहित कर जांच हेतु भेजे गए। खाद्य सुरक्षा टीम में खाद्य सुरक्षा अधिकारी रत्नाकर पांडे, गुलाब चंद गुप्ता, चित्रसेन व पुरंदर यादव मौजूद रहे। वहीं दूसरी बड़ी खबर आजमगढ़ से। आजमगढ़ हरौला थाने के मतलूपुर गांव के किसानों की फसलों को गोवंश नुकसान कर देते हैं, जिसकी शिकायत ग्रामीणों ने मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी से की थी, जिसके संदर्भ में मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी आजमगढ़ ने आकर लोगों की समस्याओं को सुना और जल्द से जल्द निवारण करने की बात कही। देखिए आजमगढ़ से सर्विलांस खबर संवाददाता शिव जन्म यादव की यह रिपोर्ट। जनपद आजमगढ़, यहाँ कैसी शिकायतें थी जो आपको आना पड़ा था? इस गांव से श्री अरविंद कुमार शुक्ला जी की शिकायत थी। उन्होंने शिकायत किया था कि कुछ निराश्रित गोवंश हैं जो ग्रामीणों के फसल को नुकसान कर रहे हैं और जिसके बचाव के लिए हमें उनको मदद चाहिए। इसी परिप्रेक्ष्य में मैं यहाँ आया हूँ। कई दिनों से मैं ये इस शिकायत को दूर करने का प्रयास कर रहा था, लेकिन शिकायत दूर नहीं हो पा रही थी, तो इसलिए मैं स्वयं आया हूँ और यह सोच के आया हूँ कि इस शिकायत का निराकरण करके जाऊँगा। अच्छा, करीब हर गांव में ऐसी समस्या, उसके लिए क्या व्यवस्थाएँ की गई हैं? सारे गांव में, जनपद के जितने गाँव में समस्याएँ थीं, उन समस्याओं को हमने गाँव में पशुबाड़ा बनाकर वहाँ पर संरक्षित करवा दिए हैं और लगभग जनपद के सभी जगहों पर इस समस्या से निजात पाई जा चुकी है। कुछ एक जो ऐसे निराश्रित गोवंश हैं जिन्हें कि जैसे अभी आपके गांव वालों ने ही बताया कि बाहर से आके लोग छोड़ जाते हैं, तो इस वजह से यहां ये समस्या एक मकड़ जाल के रूप में बनी हुई है। यह जो बाहर से छोड़ने वाले लोग हैं, इनका चिन्हीकरण करना बहुत ज़रूरी है और यदि इनका चिन्हीकरण हो जाए तो इनके खिलाफ कार्रवाई करवा कर हम इसको भी दूर करने का प्रयास करेंगे। कोई हेल्पलाइन नंबर वगैरह भी बना क्या इसके लिए? जी, जनपद में कंट्रोल रूम नंबर है और यहाँ हर विकास खंड में एक एक कंट्रोल रूम बना हुआ है, जहाँ पर आप लोग शिकायतें दर्ज करवा सकते हैं। किसान भाई या कोई जन सामान्य व्यक्ति अपनी शिकायत को दर्ज करवा सकता है। हर विकास खंड में, हर नगर पंचायत में, हर नगर पालिका परिषद में और जनपद में एक।